पकड़ो, अब रोगे तो नहीं? पीछे ये रहे, दो चार गर्म चीजें समय यूज करो और दवा से दूर रहो। ओके, तो अभी हम आए हैं फतेहगढ़ मार्केट और इस वीडियो का जो टारगेटिव ऑडियंस रहेगी वो रहेगी वो सारे लोग जो किसी समय फर्रुखाबाद या फतेहगढ़ में रहते थे और अब बाहर हैं। रीज़न क्या है कि मैंने काफ़ी समय से ऐसा कोई वीडियो अपलोड भी नहीं किया और हमेशा मैं फर्रुखाबाद का ही मार्केट का यूज़ करता हूँ, बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं क्योंकि उधर मुझे काम ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ मुझे काम होता है मैं वहीं का वीडियो बनाता हूँ, स्पेशल तौर पर वीडियो बनाने के लिए कहीं नहीं जाता हूँ। तो बहुत सी कमेंट आई थी कि फतेहगढ़ मार्केट की वीडियो बनाओ, फतेहगढ़ मार्केट की वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर मुझे फतेहगढ़ में ये PNB बैंक में आना भी था तो मैंने कहा चलो एक वीडियो भी बन जाएगी, इसके बाद में मुझे उधर जाना था बघार से, थोड़ा सा बघार के साइड में, तो मैंने कहा इधर से ही बघार निकल जाएंगे तो वीडियो भी बन जाएगा। तो इस मार्केट की मुझे सच में कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरा जो भी मार्केट का काम होता है वो सारा फर्रुखाबाद मार्केट में हो जाता है, मुझे इधर कभी आना ही नहीं पड़ता है। तो अभी तो ये लोकेशन है, आप देख लो, अगर आप लोग यहाँ के हो तभी आप वीडियो देखोगे, बाहर के लोग होगे तो वैसे भी नहीं देखोगे, है ना। तो देखो जो कुछ समझ में आ रहा है, बाकी आप लोगों की यादें अगर ताज़ा हो रही हैं अगर आप यहाँ के हो बाहर रह रहे हो तो बस हमारा तो ये कमेंट बहुत आई थी कि फतेहगढ़ मार्केट का वीडियो बनाओ, फतेहगढ़ का बनाओ, अब काफ़ी आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो ये जो है सामने कोतवाली है और इसके सामने डमडम की शॉप है, यहाँ पर सभी तरह की स्कूल की ड्रेसें मिलती हैं। तो अभी मैं यहाँ से होता हुआ सीधे जाऊँगा सेंट्रल जेल चौराहा और सेंट्रल जेल से बघार की और थोड़ा सा काम है बघार तक जाऊँगा, उसके बाद वापस आऊँगा और मसैनी चौराहे होते हुए आवासकाश निकल जाऊँगा। तो ये पूरा रहेगा, मैं थोड़ा थोड़ा हर जगह का ऐड कर दूंगा। तो देखिए ये वीडियो तो उतना ज़्यादा खास नहीं है, मैं सिंपल मैं ऐसे ही रोड का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी वीडियो हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे सिटी के हैं इसी फर्रुखाबाद या फतेहगढ़ के तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि मेरा टारगेट ये रहता है कि यहाँ के लोगों तक पहुँच जाए। अगर पहुँच गया उसके बाद सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो फिर तो काफ़ी गलत बात है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं व्हील की वेल्डिंग कराने के लिए। लड़कियां कूलर भी खा जाती हैं मैंने ऐसा सुना, चाय के साथ। अच्छा तो ये जो लोकेशन है ये है सेंटर जेल चौराहा, काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। तो ये लोकेशन तो आपको पता ही होगी, ये बरेली इटावा हाईवे वाला ओवरब्रिज है जो कि हमारे फतेहगढ़ रोड के ऊपर ओवरब्रिज बनाता है ना। तो ये यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ से हैं और सीधे यहाँ से हम लोग मसैनी की ओर जाएंगे और बस वहीं से वीडियो बीच में ही समाप्त कर देंगे। ओके, तो पता फर्रुखाबाद का आलू नेपाल तक जाता है ना सर, फर्रुखाबाद का फर्रुखाबाद मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आलू की, तुम्हें ये बात पता है? नहीं पता, आज पता कर। क्या हो गया सवाल? मेरा वजन काफी कम हो गया है और इनका बढ़ गया है तो ये भी काफी खुश है, तो यही चल रहा है, अल्लाह वल्ली चल रही है। टाइम में मिले हुए हैं। हाँ, तो आपने मेरा कौन सा वीडियो देखा? आपका वो मेला वाला वीडियो देखा मैंने। कैसा लगा? अच्छा लगा। अगला वीडियो आएगा तो आप उसमें मिलोगे। ठीक है।